हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे आरएस अग्रवाल सॉल्यूशंस में एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे को यहाँ पे कुछ चार क्वेश्चन गिवन है, इनके अंदर ब्लैंक्स बनाए हुए हैं, इनके अंदर हमारे को बताना है कि क्या नंबर आएगा, ठीक है। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्या बोला है? इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है। तो आप लोगों को एक रूल मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में, तो उसके अंदर क्या था, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता था कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अब यहाँ देखो, इतना पार्ट सेम दिया हुआ है, मतलब ये ए है, ये बी है और यहाँ ये बी है, तो ये दोनों रिजल्ट सेम आने के लिए यहाँ क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला कहाँ आएगा? रिजल्ट यहाँ आएगा। तो ये दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई करने पे सेम आ जाएंगे। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो भी मैं लिख देता हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन ये है, -7/19 ये रहा, ये a इंटू बी है तो ये b इंटू ए होना चाहिए, तो a की जगह पे कितना आएगा? -38 आ जाएगा। तो यहाँ -38 आ जाएगा और ये क्या है, -23/17 यहाँ आ गया। तो यहाँ भी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज हो रही है। अब एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो क्या था कि अगर a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी दे रखा है और a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी दे रखा है, तो पहले a को b से मल्टीप्लाई कर लो फिर c से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले B को मल्टीप्लाई कर लो C से और फिर क्या कर लो, A से मल्टीप्लाई। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ कुछ ऐसा ही बन रहा है, A मल्टीप्लाई B पहले हो रहा है फिर C से मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या होगा, B मल्टीप्लाई C को बाद में कर दिया हमने, तो A की जगह पे क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15/7। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C है और यहाँ क्या होगा, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो ए की जगह पे जो भी है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर यहाँ देखो सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, तो यहाँ देखो इन दोनों को पहले किया है फिर इससे मल्टीप्लाई किया फिर इन दोनों को किया, तो अब ये वाला पार्ट कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो 25/-16 ये क्या आ जाएगा इसमें। तो यहाँ भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। आई होप आप लोगों को ये चारों समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को क्या है, प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हो, इन ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ और जिसको रेसिप्रोकल भी बोला जाता है इन सभी नंबर्स का। पहले तो रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो जैसे a बाई बी एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम इसके ओपोजिट से मल्टीप्लाई कर दे b बाई ए से, तो रिजल्ट क्या आएगा, a से a डिवाइड हो जाएगा, b से b, फाइनल रिजल्ट कितना आया, a। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो b बाई ए है ये क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है ऑफ a बाई बी। आई होप आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा कि भाई इसका उल्टा कर दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, और जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होना, फिर मतलब क्या करना है इसका, कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाने के बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट वन आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, या फिर ये वाला पार्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक दूसरे के ऑपोजिट भी होंगे, ठीक है। तो देखो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल निकालना है हमारे को, तो क्या आएगा, 25/13 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसका कितना आ जाएगा, 12/-17। आप लोग वेरीफाई भी करके देख सकते हो, जैसे मैं इसको वेरीफाई करके बताऊं, -17/12 वन टाइम डिवाइड हो गया, 12 से 12 वन टाइम, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो रिजल्ट कितना आया, 1। तो मतलब ये वाला पार्ट क्या है इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका कितना हो जाएगा, 24/-7। इसका कितना हो जाएगा, अब देखो नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे क्या लगा लो, 1, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। -6 के नीचे भी 1 लगा लो तो इसका हो जाएगा 1/-6 हो जाएगा। अब इसका देखो, अब चाहो तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो या इतने को ही लिख लो, तो इसका क्या हो जाएगा, -5/-3, जिसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, माइनस से माइनस कर जाएगा, ओनली क्या लिखा जा सकता है इसको, 5/3। फिर -1 का नीचे 1 लगाओगे तो कितना आएगा,
वन अपॉन माइनस वन, और वन अपॉन माइनस वन को भी सोल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस वन ही आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, माइनस वन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल माइनस वन ही होता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो अपॉन टू, तो जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने की कोशिश करोगे तो क्या आ गया, टू अपॉन जीरो। और हमने जब रैशनल नंबर्स पढ़े थे तो वहाँ पे कंडीशन पड़ी थी कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर मतलब अगर पी बाई क्यू से कंपेयर करोगे तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जीरो अपॉन टू का हम उल्टा करके टू अपॉन जीरो नहीं लिख सकते, ये नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ ध्यान रखना कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो नॉट डिफाइंड है या फिर कैन नॉट एग्जिस्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टू अपॉन माइनस फाइव का माइनस फाइव अपॉन टू हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एट का एट अपॉन माइनस वन हो जाएगा, और नीचे माइनस वन है इसको आप लोग क्या कर सकते हो, ओनली माइनस एट लिख सकते हो, क्योंकि वन से डिवाइड करेंगे तो एट आएगा और ये माइनस प्लस माइनस का एट आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।